थी वो आप मुझे बताइए, फिल्म कैसी लगी? मैंने बनाई है और ये मुझे एक्चुअली खुशी हो रही है जब कोई ताली बजाता है किसी आर्टिस्ट के लिए। हम सब आर्टिस्ट हैं, मैम ने बहुत अच्छा काम किया है। जब इनके डायलॉग पे ताली मारता है कोई, या अतुल जी ने जो लिखे हैं, और उनको सबसे पहले आप उनको क्रेडिट जाने जिन्होंने लिखा है। मुद्दा एक्चुअली मैंने नहीं चुना, मुझे मुद्दे के लिए चुना गया, मुझे बोला गया कि आप डायरेक्ट करो इसे। और मेरे लिए चुनौती ये थी कि कश्मीर मेरे पास नहीं था, कश्मीर में मैंने ये फिल्म शूट नहीं की, मैंने कश्मीर इसमें क्रिएट किया है, कुछ शॉट्स इधर से उधर से मतलब मिक्स मैच करके मैंने इस फिल्म को कश्मीर का फील दिया है। मैं कश्मीरी हूँ, थोड़ा बहुत मुझे वहाँ की बातें पता है, किस तरह से वहाँ पे एंगर है या किस तरह से वहाँ पे लड़कों को वर्गलाते हैं जो देशद्रोही लोग हैं। हाँ, और जो दिखाते हैं वो होता नहीं, क्या हाँ, ये बात सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। हमारी जो मीडिया है वो कश्मीरियों के साथ क्या बर्ताव वैसा ही करती है कि जो वहाँ होता है वो दिखाते नहीं? देखिए, अगर आप मीडिया की बात करोगे ना, मैं दो चीज़ें इसमें बताऊंगा। कश्मीर को प्यार की ज़रूरत है, अगर उनको यहाँ का मीडिया कोई भी बंदा, जैसे मैं यहाँ, मुझे प्यार मिला, मुझे इनके द्वारा इज्जत मिली, दादा के द्वारा इज्जत मिली, और मैं ये प्यार वाला, प्यार सबका दिल जीत लेता है। कुछ नहीं, कुछ चीज़ें उनको दिखानी चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूँ क्यों। क्योंकि कश्मीर में सिर्फ आतंकवादी नहीं है, कश्मीर बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर भी प्यार की कहानियाँ हैं, वहाँ पर भी शादियाँ हैं, वहाँ पर भी लोग हैं, बट कुछ अंसर जो है ना वहाँ पर, जो जिनको पैसा मिलता है, जो अपने अपने उनके मकासद है, अपने उनके गलत इरादे हैं, उस वजह से बाकी लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ये फिल्म से हम जो कश्मीर की यंग जनरेशन है उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आतंकवादी बनने से उनको कुछ हासिल नहीं होगा, और इसका आतंकवाद का जो एंड है वो मौत ही है। तो इससे अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ताकि हमारी हमारा देश और आगे तरक्की कर सके इसी तरह। और मेरा रोल एक टीचर का रोल है, और मुझे लगता है कि टीचर गुरु जो है वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाता है, और आगे भी मैं यही संदेशा दूंगी कि कश्मीर के जितनी टीचर्स हैं और हमारे हिंदुस्तान की भी, वो अपने आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता दिखा।